हे वेट, अगर मैं आप लोग को बोलूं कि हमारा फ्री फायर माइनक्राफ्ट के साथ कोलैब कर रहे, तो अब आपको कैसा लगेगा? लगता ही है पागल हो गया। तो हे व्हाट्सएप, बड़ी स्वागत है आप लोग का फिर से एक तबाही अपडेट की वीडियो में, जिसमें आज की वीडियो काफी मजेदार होने वाली है, क्योंकि हम वैसे 100% कंफर्म अपडेट के बारे में जानने वाले हैं, जो कि इंडिया के लिए कंफर्म हो चुकी है, और साथ में कुछ ऐसे फ्री फायर के फैक्ट्स भी जानने वाले हैं, जिसे सुनने के बाद आपके भी होश उड़ने वाले हैं। क्या बात कर रहे हैं? जैसे कि हमारा फ्री फायर माइनक्राफ्ट के साथ कोलैब कर रहा है, साथ में G18 पिस्तौल की भी एक ईवो गन आ रही है, उसका भी हम फुल रिव्यू करेंगे, साथ में हमारे गेम में प्रेजेंट एंजेलिक इवेंट का जो कैलेंडर आया है, उसका भी हम फुल डिटेल्स में रिव्यू करने वाले हैं। लास्ट में एक बहुत तगड़ी चीज बता देता हूँ, अगर आप इस वीडियो को पूरी देखते हो तो आपकी आईडी कभी भी हैक और बैन नहीं हो पाएगी। ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। जी हाँ गाइस, कभी भी हैक और बैन नहीं हो सकती, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर से देखना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, साथ में वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने एंजेलिक इवेंट कैलेंडर के बारे में। हमारा कैलेंडर कुछ इस टाइप से, जिसमें हमारा ये एंजेलिक का इवेंट स्टार्ट हो गया है। बाकी के इवेंट्स के बारे में बात करें तो 5 जनवरी को हमारे गेम में एक टॉप इवेंट आने वाला है, जो की एंजेलिक के थीम पे डिजाइन है, जैसा की आपको यहाँ पे दिख रहा है। हमें 100 डायमंड में एक स्कार्फ की स्किन मिल रही है, साथ में रेड कलर का एक एंजेलिक का जैकेट जो कि मात्र 300 डायमंड का है। ये हमारा नेक्स्ट टॉप इवेंट होने वाला है। साथ में कल हमारी गेम में एक फेडेड व्हील आएगा, जो कि कुछ इस टाइप से देखने में होगा, जिसमें हमें पापा का पर और पापा की परी दोनों मिलेगी, और वो भी व्हाइट कलर के डिजाइन में। इनमें भी 3 कलर है, तो ये एक एक करके हमें मिलने वाली है। और मैं आप लोग को बता दूं, ये इंक्लूवेटर का बंडल था, लेकिन सभी को अलग अलग करके गेम में दिया जा रहा है। तो मैं आप लोग को बोलूंगा ये सब में डायमंड खर्च मत करना, पर हाँ, अगर एंजेलिक का पेंट निकालना हो तो वो 8 तारीख को आने वाला है, 8 तारीख को एंजेलिक का पेंट निकाल लेना, जिसमें आप लोग यहाँ पर देखो, ये एंजेलिक के पेंट में अलग सा विंग का डिजाइन आ रहा है, मतलब विंग पावर इफेक्ट का। ये एंजेलिक पेंट न्यू है, जो कि इसकी कंफर्म डेट 8 जनवरी को रखी गई है। ये इवेंट टोकन टावर में आने वाला है, जो कि कुछ इस टाइप से है, जिसमें हमें ये गोल्डन एंजेलिक का बंडल भी मिलने वाला है, साथ में हमारा गोल्डन एंजेलिक पेंट। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग 8 जनवरी को इसमें डायमंड लगाना। तो ये कुछ बातें थी हमारी एंजेलिक इवेंट कैलेंडर के बारे में। अब चलिए बात कर लेते अपने G18 पिस्तौल की ईवो गन के बारे में। तो जी हाँ गाइस, G18 गन का भी एक ईवो गन आने वाला है, जिसके लेवल अप भी होंगे और उसका इमोट भी होगा, पर वो अभी फुल्ली डिजाइन नहीं किया गया, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, अभी भी इस पे काम चल रही है। बाकी हमें इसका कुछ ऐसा ही डाटा मिला, मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, लेकिन हाँ, अगर इसके आने के डेट के बारे में बात करें तो ये हमारी 11 जनवरी के बाद देखने को मिल सकती है, क्योंकि मैं आप लोग को बता दूं, हमारे गेम में 11 जनवरी को OP38 का अपडेट आने वाला है, और बहुत सारी चीजें गेम में चेंज होने वाली है। जैसा कि मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में ही बता दिया कि अब से आपकी आईडी बैन और हैक नहीं हो सकती, तो गैरेना इस पर भी वर्क कर रही है, उसके बारे में और डिटेल्स देता हूं आपको। उससे पहले हम बात कर लेते हैं अपने माइनक्राफ्ट के बारे में। जी हां गाइस, हमारी फ्री फायर माइनक्राफ्ट के साथ कोलैब कर रहा है, जिसका हमें ये कटाना की स्किन देखने को मिल चुकी है, जो कि माइनक्राफ्ट के थीम पे बनाया गया है। जो जो माइनक्राफ्ट गेम को जानते हो गए, नहीं ये पता हो कि माइनक्राफ्ट गेम दिखने में कुछ ऐसा ही है। बाकी इस पर अभी कुछ और भी आइटम्स आएगी, जिसमें से बहुत सारी आइटम्स हमें फ्री में भी मिलने वाली है। वाओ। और मैं आप लोग को कल की वीडियो में बता रहा था कि हमारा फ्री फायर एक और पर्सन के साथ कोलैब कर रहा है, जो कि ये कार्लस ड्रीम है, जिसका बंडल कुछ इस तरह से डिजाइन कर दिया गया है। ये बंडल तो हमें डायमंड में ही देखने को मिलेगा, पर एक बात मैं बता दूं कि डाटा माइनर्स के अनुसार ये बोला जा रहा है कि इसी के थीम पे 2 बंडल और डिजाइन की गई है, जो कि हमें बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है। तो बस अब इसके आने का वेट है। तो अभी फ्री फायर इन दोनों के साथ बहुत तगड़ी कोलैब कर रहा है, और OP38 के अपडेट के आने के बाद हमारी गेम में ये सब देखने को मिलने वाला है, और उसी OP38 के अपडेट के आने के बाद हमें हमारी आईडी सिक्योर करने का ऑप्शन मिलेगा। मतलब जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख लो, मल्टीपल बिल्डिंग प्रोटेक्ट योर अकाउंट आफ्टर 11th जनवरी। इसका मतलब ये है कि हम अपनी आईडी को 2 आईडी से लॉगिन कर सकते हैं। जैसा कि आपका आईडी फ्री फायर से बना हुआ है, तो आप उसे एक गूगल आईडी से भी ऐड कर सकते हो। जैसा कि मान लो कभी आपका फेसबुक का आईडी बैन हो जाता है, तो आप अपने उसी फ्री फायर आईडी को उस गूगल आईडी से खोल सकते हो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और उसी तरह से सेम, अगर आपका आईडी गूगल अकाउंट से बना हुआ है, तो आप उसे किसी और गूगल अकाउंट या फिर फेसबुक अकाउंट से ऐड कर सकते हो, और उन दोनों में से कोई भी एक आईडी अगर बैन हो जाती है, तो आप दूसरे आईडी से अपनी गेम की आईडी रिटर्न ले सकते हो। मतलब इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है हमें, जो कि आईडी स्कैम करते हैं, अब वो बहुत कम होने वाली है, क्योंकि अगर कोई आपका आईडी स्कैम कर लेता है, तो आप उसे दूसरे आईडी से रिकवर कर सकते हो। बाकी इसके बारे में आपको अगर और डिटेल्स चाहिए, OP38 अपडेट के आने के बाद मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, और आपको फुल डिटेल्स में बता दूंगा कैसे आपको आईडी दूसरे जीमेल से ऐड करनी है, और उसे मल्टीपल अकाउंट में सेव करना है, जिससे आपकी आईडी कभी बैन और हैक हो ही नहीं सकती। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना होगा, क्योंकि मैं जैसे ही उस पर वीडियो डालूं, आपको पता चल जाए और आप जल्दी से जल्दी अपना आईडी सिक्योर कर सके। तो यही थी आज की तबाही अपडेट में। तो मिलते हैं आज की टुनाइट अपडेट वीडियो के साथ। तो टुनाइट वीडियो यहां से देख लेना शाम को। तब तक के लिए बाय।